रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। करने वाले बंदे होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए पूछते हैं, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ये क्यों ऐसा। वो समीर जी की एक खास बात है, राकेश और मैं हमेशा बोलते हैं कि समीर जी ने हमको खुले हाथ दे दिए हैं, काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ उसको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने की तो हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स ला रहे हैं। साथ में ही मैं और एक बंदे को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो राकेश जी के वजह से मुझे मिले, चंद्रकांत महाड़िक दादा, जिनको हम प्यार से सीएम बोलते हैं। सच्ची में एक सीएम के जैसे वो आते हैं और जब वो आते हैं तो हमने क्या काम किया है वो हर एक पूरे दिन का हम लेखा जोखा उनको बताते रहते हैं। समीर जी और चंद्रकांत जी और राकेश, इन तीनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बसफ्लिक्स एक फैमिली ओरिएंटेड OTT प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहे हैं, उसको देखिए, सराहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। राकेश सर, समीर जैसे लोग अगर आपके साथ जुड़े तो कितना तरक्की होगा बसफ्लिक्स का? देखिए समीर भाई, ये एक इंसान नहीं है मेरे लिए, वो एक फरिश्ता होता है ना कि एक दिन ज़िंदगी में आता है। 3 दिन के दोस्ती के अंदर में उसने मेरे लिए हर एक चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी है। उनका ज़रिया बनते हैं कि एक चंद्रकांत दादा है मेरे सीएम भाई, काफ़ी कुछ रूडली बात करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें नीले शिकवे होते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे भाई हैं, भाई रहेंगे। और मैं बात करना चाहूँगा समीर दादा की, तो समीर दादा एक हमारे लिए एक बोल के जैसा खड़े हैं। वो सिर्फ दुबई से आदेश देते हैं कि भाई बस छोटे तू ये कर ले, मैं तेरे पीछे हूँ, बस तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। चंद्रकांत दादा मुझे इंडिया में संभालने के लिए काफ़ी सक्षम है। एक मेरा एक बहुत अच्छा एक परिवार बन चुका है, जो कि मैं नागपुर से बोलता हूँ लेकिन मैं कभी महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे लोग यहाँ पे नहीं है। करके काफ़ी अच्छी फैमिली मिली है मुझे यहाँ पे दुबई में, और अच्छा प्यार मिला है। मैं यही प्यार आप लोगों से भी चाहता हूँ। मैं जो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, जो मैं वेब सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, वेब फिल्म बनाने जा रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक के लिए है, जो कि हमारे छोटे बच्चे हैं, वयोवृद्ध जितने भी लोग हैं जो आज के इस जनरेशन से त्रस्त हो चुके हैं गंदे गंदे वेब सीरीज, गंदी गंदी चीज़ें देखकर। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ों को लेकर कुछ अलग करना चाह रहा हूँ और इसी के लिए मुझे आप सब लोगों की साथ की ज़रूरत है। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बस हमें साथ दीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए जिम्मेदारी हम उठाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ में रहिए। थैंक यू सर।